हेलो दोस्तों, टीवीएस ने अपनी राइडर 125 को लॉन्च कर दिया और इस बाइक का मीटर सबसे बड़ी हाईलाइट है इस बाइक की और इसके अंदर आपको लगभग 30 के आसपास फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अपने सेगमेंट में या फिर अपने से बड़े सेगमेंट में भी इतने फीचर्स आपको किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलते जितने कि टीवीएस की राइडर 125 में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस बाइक के जितने भी फीचर्स हैं मीटर के अंदर, सारे फीचर्स मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीर जी और मैं अपनी पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। वीडियो करने के साथ सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस बाइक के साथ आपको एक फुल कलर डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है और इससे बड़ी बात यह भी है कि इस बाइक के साथ आपको ऑप्शन के रूप में TFT स्क्रीन भी दी गई है। ऑप्शनल है आपके पास, अगर आप चाहते हो तो TFT स्क्रीन भी इस बाइक के अंदर लगवा सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं बाइक के फीचर्स की। इस बाइक के अंदर आपको फर्स्ट इन सेगमेंट रिवर्स LCD क्लस्टर देखने को मिल जाता है। सेकंड चीज टैकोमीटर देखने को मिल जाता है। थर्ड स्पीडोमीटर, टाइम, गियर पोजीशन इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर चेंज गाइडलाइंस, फ्यूल गेज, लो फ्यूल वार्निंग इंडिकेटर, लेफ्ट एंड राइट टर्न इंडिकेटर्स, रियल टाइम माइलेज, माइलेज एवरेज, रेंज, ट्रिप ए, ट्रिप बी और उसके साथ ही ट्रिप एफ। अब ये ट्रिप एफ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिप एफ तब स्टार्ट होती है जब बाइक का फ्यूल काफ़ी लो हो जाता है, तो ये ट्रिप एफ स्टार्ट होती है, आप खुद से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके बाद ओडोमीटर, लो बैटरी इंडिकेटर, सर्विस इंडिकेटर, माल फंक्शन इंडिकेटर, मास्टर वार्निंग लाइट, की इंडिकेटर, इको एंड पावर मोड इंडिकेटर, ऑटो इंजन ऑन ऑफ इंडिकेटर, टॉप स्पीड रिकॉर्डर, हेलमेट रिमाइंडर इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, जब बाइक का साइड स्टैंड लगा होगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, गियर के अंदर हाई बीम इंडिकेटर। इसके साथ ही अगर आप इस बाइक के अंदर आपको TFT स्क्रीन लगवानी है जो कि ऑप्शन में दी गई है, तो उसके बाद इस बाइक में और ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कनेक्टेड फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे बाइक के अंदर, जिससे कि आप वॉइस कंट्रोल भी कर सकते हो। इसके अलावा टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे मीटर के ऊपर आपको TVS का लोगो देखने को मिल जाता है और मीटर के राइट साइड में आपको दो स्विच देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप मीटर के फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से, जो चीज़ आपको डिस्प्ले करनी है वो कर सकते हो। तो इस वीडियो में यही सब कुछ था, मेरे को मीटर की इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।